अब ला दूंगा मामला, अब मामला ही ला दूंगा, अब भूकंप आएगा चारों तरफ, चारों तरफ बवंडर ही बवंडर दिखेगा तुम लोगों को। ये तो बवंडर आ गया, मैं क्या करूं? मैं सो लेता हूं ताकि जल्दी से जब ये भूकंप खत्म हो जाएगा तब मैं उठ जाऊंगा। रात को तब तू सोएगा, अभी फिलहाल मैं सो लेता हूं। तेरे को सपने में भी थारा भाई जोगिंदर दिखेगा। थारा भाई जोगिंदर दिखेगा। रबड़ के ढांचे बवंडर ला दूंगा बवंडर। क्या यार जोगिंदर भाई, सो लेने दो यार, गजब बेइज्जती है। आहा। हेलो यार, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? और मैं हूँ छिले हुए आम की गुठली। ओ छिले हुए आम की गुठली, इस पे मैंने रोस्ट बनाना था और मैंने काफी सोचा कि मुझे किसी जंगल में नौकरी दिला दूंगा, समझ गया? किसी जंगल में गाड़ी की नौकरी दिला दूंगा, वहाँ जंगली जानवर को पकड़िए। हाँ जोगिंदर भाई, जंगली जानवर को तो पकड़ा हुआ है और अभी भी बैठा उसी पे वीडियो बना रहा हूँ। किसी जंगल में गाड़ी की नौकरी दिला दूंगा। अच्छा चुकुंदर भाई, हो मेरा मतलब जोगिंदर भाई, मेरी गाड़ी की नौकरी लगवाना तो एक तरफ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो कीड़ा भी निकल के आपके अंदर से बाहर आ गया है, इसलिए मैं कहता हूँ आहिस्ता बोला करो। और वो कीड़े बेचारे का क्या कसूर था? उसको बिला वजह ही आपने बेघर कर दिया है। समझ गया, यो चैन पहन रहा हूँ ना 15 तोले की, तेरे पूरे परिवार में नहीं होगी। अच्छा जोगिंदर भाई, मेरे पे रोस्ट बना रहे हो, सही तरह तो बनाओ, मुझे मजा तो आए, ये चवले तो ना मारो यार। अगर मैं कह दूं ये कंगा 2 लाख रुपए का तो उससे हो जाएगा? नहीं, उसी तरह आपके कहने से 15 रुपए की चेन 15 तोले की नहीं हो जाती। और ऊपर से इस चेन को आपने पहन लिया, अब इस पे आपके गले की गंदी महक लग चुकी होगी। इसको कोई अब 2 रुपए का ना खरीदे, आप इसको 15 तोले का बनाने को फिर रहे हो। अरे इनकी औकात क्या है, ये क्या है मेरे सामने? जोगिंदर भाई, ओह मेरा मतलब जोगिंदर भाई, औकात तो ये है कि आपने 5 बार वीडियो बनाई है हम पे, लाइव आते थे फिर भाग जाते थे, बहुत सारी वीडियोस पड़ी है मेरे पास। बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा वो दिखाने से पहले मैं जोगिंदर भाई को ये कहना चाहता हूँ कि जोगिंदर भाई, जब आप इंस्टा पे लाइव आते हो और आके फिर भूल जाते हो कि क्या कहना था, तो फिर भाग के खुद को बेइज्जत करवाने के बजाय ये अच्छी बात नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड करके उसको थोड़ा बहुत एडिट करके इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दो? हाँ याद है, ये तो जोगिंदर भाई है, तो फिर इनकी मजबूरी तो आप लोग समझ ही सकते हो कि इनके पास। खैर अपन लाइव वीडियोस पे चलते हैं जिनको इन्होंने पोस्ट नहीं किया। समझ गया, हिला दूंगा सिस्टम कदी बहन में। जोगिंदर भाई का अपना ही सिस्टम हिल गया। जोगिंदर भाई मान लो बात यार, वीडियो बना के अपलोड कर दिया करो, क्यों बेइज्जत होने का शो हो गया आपको? बात सुनो कान खोल के। जी जी जोगिंदर भाई, समझाएं बात। कान खोल के बात सुन लियो। कान खोल के बात सुन रहा हूँ। समझ गए? समझ जाइयो बस। हैं क्या क्या समझ गए जोगिंदर भाई? यार बात सुनाओ तो सही, फिर बताऊंगा कि समझाऊं कि नहीं। ये पता नहीं कौन सा नशा, जब बंदा नशे के नाम पे अपने पसीना सूंघने लग जाए ना, तब ये हालत होती है। तेरे शरीर में हड्डी नहीं है, रबड़ के ढांचे। मेरे शरीर में हड्डी नहीं है, चलो मान लेते हैं, जोगिंदर भाई ने कह दिया, मैंने मान लिया, अब मैं कहूंगा जोगिंदर भाई को मानना पड़ेगा। तो जिस तरह जोगिंदर भाई के हिसाब से मेरे शरीर में हड्डी नहीं है, उसी तरह मेरे हिसाब से इनके शरीर में दिमाग नहीं है। मेरे शरीर में हड्डी ना होने को आप प्रूव कर नहीं सकते, और आपके शरीर में दिमाग ना होना मैं पहले प्रूव कर चुका हूं। अरे हराम ही हो बेटा, तूने थारा भाई जोगिंदर को रोस्ट मारा है, अपनी औकात में रहिए। जोगिंदर भाई वो कहना ये था कि गाड़ी तो आपने मांग लिया, इसका एसी ही चला लेते, अपनी हालत तो देखो यार। ये मैं मालिक ने ये कहा होगा कि जब तक ऊपर में कोई सवारी ना आगे बैठे तब तक गाड़ी का एसी नहीं चलना चाहिए। गजब बेइज्जती है। बवंडर में अगर तेरा घर नीचे गिर गया ना, तेरी औकात उतनी नहीं है, अपने घर को दोबारा बना ले, समझ गया? अब बात चली पड़ी है तो फिर बात कर लेते हैं हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है 1xbet। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां स्पोर्ट्स के साथ साथ टीवी गेम्स और ई स्पोर्ट गेम्स पे भी बेट हो सकती है। इसके अलावा इसके 25 से ज्यादा प्रोवाइडर्स हैं जो कि डिफरेंट गेम्स देते हैं, तो वहां भी आप लोग बेट कर सकते हो। तो फिर 1xbet पे जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से साइन अप करो और सुकून करो। तुम हो क्या ये बताओ? जाके कहीं बाग में जाओ, वहां पर आम काटो, आम को बेको, पैसे कमाओ। ओ यार जोगिंदर भाई, बाग में आम को काटते नहीं है, तोड़ते हैं, और आम बेकते नहीं है, बेचते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने अपनी अकल बेच दी है। ला दूंगा मामला, भूकंप आएगा भूकंप, आज तक भूकंप के झटके देखे? ओ भाई भूकंप बाद में ले आना, पहले थोड़ा सांस ले लो यार, अभी हमारे नाम ना लग जाना कि हमें रिप्लाई देते देते खुश्क हो गए हो। तेरा दिमाग भी मोटा है, तेरी शकल भी मोटी है, रोस्ट मारने से पहले सोच लेता थोड़ा।
और साथ ही वीडियो एंड कर दिया। यार यही वो बात है जो मैं पहले कह रहा था। अच्छा आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखो और आपने फिर मुझे एक बात बतानी है। रोस्ट मारने से पहले सोच लेता थोड़ा। वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया, मुझे ये बताओ कि ये बंदा आप लोगों को हमें रोस्ट करता हुआ नजर आ रहा है या रोता हुआ नजर आ रहा है? पहले सोच लेता थोड़ा। अमरूद अमरूद पे भी दाढ़ी होती है, कैसा लगेगा यार दाढ़ी वाला अमरूद? तुमको कहूंगा भुखलंडी यूट्यूबर, क्योंकि तुम भुखलंडी यूट्यूबर हो सारे के सारे। वाह क्या लॉजिक है। तुझे मैं कहूंगा हेडफोन क्योंकि तू हेडफोन है, तुझे मैं कहूंगा माउस क्योंकि तू माउस है, और तुझे मैं कहूंगा बेवकूफ क्योंकि तू बेवकूफ है। गाड़ी में बैठ के लोगों को उठाने की बात। अरे ओ ड्राइवर तू है, समझ गया, टैक्सी तुम लोग चलाते हो। बचपन में जब दो बच्चे लड़ रहे होते ना तो एक कहता है तू पागल है, दूसरा बच्चा कहता नहीं तू पागल है, तू पागल नहीं तू पागल, तू उससे बड़ा पागल, तू उससे भी बड़ा पागल। वो बच्चे इसी दौड़ में लगे रहते हैं और ये वही बच्चा है, फर्क सिर्फ ये है कि ये बड़ा हो गया। और मसला ये है कि बड़ा होने के साथ साथ इसका दिमाग भी बड़ा होना था, लेकिन वो बड़ा होने के बजाय खत्म ही हो गया। एक घुसंड के अंदर छाती पाड़ दूंगा और दीवार पे लिख दूंगा यो थारा भाई जोगिंदर। नहीं भाई दीवार पे ना लिखना यार, दीवार पे पहले लिखा होता है यहाँ पेशाब करना मन है। कपड़े तार दूंगा, जहां मिल गया वहीं पकड़ के। यार आप लोगों को वाकई ऐसे लग रहा है जैसे इसकी उबर की सवारी आ गई हो। तेरे मैं कपड़े तार दूंगा, किसी से डरता डरता नहीं हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी मैडम बैठे बैठे। नहीं 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 मैडम वन स्टार रिव्यू ना देना मैडम, बड़ी रेटिंग पे फर्क पड़ जाता है। बहुत चंगा ना मैं। फिर जोगिंदर भाई ने सवारी को ड्रॉप किया, उनसे 5-star रिव्यू की रिक्वेस्ट करके नई सवारी के लिए अपने मोबाइल पे सर्चिंग लगा के फिर वीडियो बनानी शुरू की। तू रोश मारेगा थारा भाई जोगिंदर हो। रिलैक्स जोगिंदर रिलैक्स रिलैक्स, आ जाओ जाम होगा पूरा सोशल मीडिया। फिर यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि ये अच्छा था, रिलैक्स जोगिंदर रिलैक्स, मजा आया यार। जब मेरे बहन भाई मेरे हिस्से की भी चीज खा जाए। रिलैक्स जोगिंदर रिलैक्स। जब मेरी क्रश मुझे ही भाई बना ले। रिलैक्स जोगिंदर रिलैक्स। अब तक आप लोगों को समझ आ ही गई होगी कि जोगिंदर भाई ये जो भी कुछ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मजाक है, और हमारी तरफ से भी सब मजाक ही है, तो इस चीज को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है और जोगिंदर भाई को जरा भी हेट देने की जरूरत नहीं है जी। अब वो लग बात है कि इन्होंने जो हमें रिप्लाई दिया है उस YouTube वीडियो के लाइक्स डिसलाइक पे बवंडर आ चुका है, लेकिन ये फिर भी हमारी तरफ से इनको हेट नहीं जानी चाहिए ना। वो शुगल कर रहे हैं, हम शुगल कर रहे हैं, सुकून सबको मिल रहा है। तो बस फिर खैर हम भी यही खत्म करते हैं आज की वीडियो, और ये मेरी जोगिंदर भाई पे आखिरी वीडियो थी। इसके बाद अब मैं इन पे वीडियो नहीं बनाऊंगा अगर ये कोई खास किस्म की हरकत नहीं करते तो, और बाकी भी अगर कुछ ऐसा सीन हुआ तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे इनको रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन यहां मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। वो कहने का मतलब ये है कि इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो मार लो, मस्त प्लान है। तो बस फिर यही खत्म करता हूं आज की वीडियो, और बस अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को इतनी जोर से दबाना है कि वो भी कहे रिलैक्स जोगिंदर रिलैक्स। और बस फिर अगर वीडियो देखकर जिंदगी में सुकून आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि सुकून लेने का हक हर बंदे का है। बस चलता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।